हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टॉक मार्केट यूनिवर्सिटी के बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो में। तो पिछला वीडियो में बनाया था पूरा का पूरा टी बिल्स के बारे में। तो आज हम जानने वाले कि ये टी बिल्स आप ऑनलाइन जीरो द प्लेटफॉर्म के अंदर कैसे बाय कर सकते हैं। मैं आपको थोड़ा सा टी बिल का ओवरव्यू देता हूँ। टी बिल क्या होते हैं? वो एक तरह का आपका इंस्ट्रूमेंट जहाँ पे आप बाय कर सकते हो, जो गवर्नमेंट के एक तरह के शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स हैं। गवर्नमेंट के शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स, जब भी गवर्नमेंट को पैसे की जरूरत होती है वो बोलती है आरबीआई को बोलते हैं कि क्या मुझे शॉर्ट टर्म के लिए चाहिए, लॉन्ग टर्म के लिए चाहिए। शॉर्ट टर्म का मतलब है एक साल के अंदर गवर्नमेंट उस पैसे को रिपेमेंट कर देगी, और लॉन्ग टर्म का मतलब है एक साल से ज़्यादा के लिए गवर्नमेंट को पैसा चाहिए। तो अगर एक साल से कम के लिए चाहिए तो वो आरबीआई इशू करती है टी बिल्स, अगर एक साल से ज़्यादा के लिए चाहिए तो आरबीआई इशू करती है बॉन्ड्स। तो बॉन्ड्स का हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी हम जानते हैं टी बिल्स के बारे में। इसकी तीन तरह की एक्सपायरी होती है। या तो आप 91 डे के लिए बाय कर सकते हैं, या तो 182 डे के लिए बाय कर सकते हैं, या तो आप 364 डे के लिए बाय कर सकते। इनसे ज़्यादा आप बाय नहीं कर सकते। एवरी बिल की डिफरेंट डिफरेंट एक्सपायरी के साथ इसका जो यील्ड होता है, इंटरेस्ट परसेंटेज, वो भी डिफरेंट होता है। तो उसको आप बाय कर सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं। इसमें गारंटीड अश्योर आपको मनी मिलेगा ही मिलेगा, और एफडी से ज़्यादा मिलेगा। ये अंडर एसटीसीजी के अंदर आपको टैक्सेबल होता है। अगर आप टैक्स स्लैब में आते हैं, अगर आपका 7 लाख के ऊपर पैसा होता है ईयरली, तो इसके अंदर आपका जो है वो थोड़ा बहुत पैसा कटेगा इसके हिसाब से। तो दो ही आपका एसटीसी कटेगा, मतलब अगर आप टैक्स स्लैब में आते हैं तो ही आपका पैसा कटेगा, वरना ये आपका इनकम टैक्सेबल अदरवाइज आपका नहीं है। तो हम देखते हैं कि कैसे हम इस टी बिल को बाय कर सकते हैं जीरोधा के अंदर। आपको सिंपल जाना अपनी प्रोफाइल के अंदर, वहाँ पर आपको देखेगा कॉइन। आप कॉइन पे क्लिक करेंगे, आप टोटल न्यू टैब में आ जाएंगे। ये मोबाइल में नहीं होगा, आपको वेब में करना पड़ेगा, यानी कि लैपटॉप में आपको करना पड़ेगा, ठीक है सर। तो जैसे आप कॉइन के अंदर आगे, आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ पे जाएंगे डैशबोर्ड के अंदर, वहाँ पे आपको देखना है गवर्नमेंट बॉन्ड्स। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें लिखी होंगी, आपको जाना है गवर्नमेंट बॉन्ड्स के अंदर। अब गवर्नमेंट बॉन्ड में आप देखेंगे तो यहाँ पे तीन चीज़ें हैं। एक है जीओआई बॉन्ड्स यानी कि गवर्नमेंट बॉन्ड्स, एक आता है टी बिल्स, और एक आता है एसडीएल। अभी टी बिल्स करंटली दिख नहीं रहे आपको, क्योंकि मंडे से लेके ट्यूजडे डे टाइम में वो क्या होते हैं, ओपन होते हैं आपको बाय करने के लिए। अभी यहाँ पे ओपन नहीं, लेकिन आपको मैं दिखाता हूँ गवर्नमेंट बॉन्ड के हिसाब से। ये रहा बॉन्ड, इस तरह का टी बिल यहाँ पे होता है। यहाँ पे लिखा होता है 91 डेज, 182 डेज, 365 डेज, ऐसा टी बिल में लिखा होगा। यहाँ पे सिंपल आपको प्लेस ऑर्डर में जाना है, तो वहाँ से आप प्लेस ऑर्डर कर सकते हैं। आपका बिड लगेगा, आपको विद इन 5 डेज के अंदर आपका टी बिल आपके यानी कि आपके डीमैट के अंदर, आपके जीरोधा के अकाउंट के अंदर मिल जाएगा, जितना भी आप पैसे का चाहिए। आप 100 यूनिट मिनिमम ले सकते हैं, जो 100 यूनिट आपको पड़ेंगे 10,000 रुपीज में, आपको इतना मिनिमम लेना पड़ेगा, जो आपको 10,000 रुपीज में मिल जाएगा। कौन सा? टी बिल्स, जो यहाँ पे दिखेगा आपको एवरी मंडे एंड ट्यूसडे मार्केट टाइम आपको देखने को मिलेगा। आप वहाँ पे अपना ऑर्डर प्लेस करवा सकते हैं, सारा पैसा आपका कटेगा कौन से अकाउंट में से, जीरोधा के डीमैट अकाउंट में से, और आपको वहीं पे मिल जाएगा। अगर आपको सेल करना हो तो सेकेंडरी मार्केट यानी कि जीरोधा में आप सेल कर सकते हैं, जैसे हम स्टॉक सेल करते हैं। लेकिन अगर आपने सेल कर दिया तो आपको थोड़ा बहुत लॉस भी हो सकता है, और साथ में आपका प्रॉफिट भी लेस हो सकता है। उसका रीजन है कि अगर यहाँ पे अगर सेल करेंगे तो यहाँ पे डिमांड एंड सप्लाई का इशू आ जाएगा। इससे अच्छा क्या है, सबसे बढ़िया चीज़ है कि आप इसको 91 डेज के लिए रखा है तो उतना होल्ड कीजिए। इसके आप क्या कर सकते हैं, अगर आपको मान लीजिए पैसे की जरूरत बहुत ज़्यादा पड़ गई, तो टी बिल्स को आप लोन के जगह, लोन के उस पर कॉलेटरल भी रख सकते हैं। एज अ कॉलेटरल टी बिल्स को यूज़ किया जा सकता है। तो आपको अगर मार्जिन की ज़रूरत है, पैसे की ज़रूरत है, तो आपको टी बिल को यूज़ करके उसका कॉलेटरल या फिर उसको मार्जिन के लिए उसको प्लेज कर सकते हैं, तो वो भी इसका फायदा होता है। तो डेफिनेटली वो कर सकते हैं, टी बिल्स में इन्वेस्ट जरूर कर लीजिएगा। अगर आपको लगता है कि आपका पैसा थोड़ा टाइम पहले पड़ा हुआ है 3 मंथ के लिए, 4 मंथ के लिए, तो उसका टी बिल ले लीजिए। आपको कुछ ना कुछ तो परसेंट उसमें रिटर्न मिल जाएगा, जो सेविंग अकाउंट से, करंट अकाउंट से और एफडी से ज़्यादा होगा। तो आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल रहा होगा। अगर हेल्पफुल रहा है तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक कीजिए। अगला वीडियो हमारा आएगा कि हम बॉन्ड को कैसे रीड कर सकते हैं और बॉन्ड को कैसे बाय कर सकते हैं। धन्यवाद।